श्री मुक्तेश्वर धाम प्रबंधकीय समिति की ओर से दो दिवसीय मेले व भंडारे का आयोजन पुजारी सूरज तिवारी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा मुक्तेश्वर धाम स्थित पावन शिवलिंग के दर्शन किए। डोंग स्थित इस महाशिवरात्रि के मेले में कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने के स्टॉल अतिरिक्त अन्य खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें दुर्गा शक्ति क्लब मॉडल टाउन पठानकोट, हिम स्वामी सैन्य संगठन पठानकोट के स्टॉल व लंगर शामिल हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी सूरज तिवारी ने बताया कि श्री मुक्तेश्वर धाम की प्राचीन गुफाएं 5500 साल पुरानी हैं और यहां पर विराजमान श्री मुक्तेश्वर धाम के शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी। पुजारी सूरज तिवारी ने कहा कि जो भी श्रद्धालु जहां आकर श्री मुक्तेश्वर धाम में नतमस्तक होते हैं उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस अवसर पर ब्लॉक समिति सदस्य बलकार पठानिया, मंदिर कमेटी अध्यक्ष भाग सिंह, सरपंच खरासा जतिंदर सिंह, सरपंच मट्टी पूनम देवी, सरपंच फागली अर्पणा देवी, सुखविंदर सिंह, सुरेंद्र कुमार, सरपंच डूंग आदि मौजूद थे। सब तो बड़ा मैं जरा शेयर सारा कमेटी मेंबरों देना चाहना, क्योंकि इन्हों की बहुत मेहनत है, क्यों दिन रात ही एक करते हैं और मैं देखा इन्हों का जरा इतने बन वगैरह बनाना जोड़े जाप साहब ने 10 करोड़ का शिक्षण करवाया और इन्हों की बहुत लगन और बहुत मेहनत है। जितों तक साडा सहयोग आ असं पूरा इन्हों सहयोग अपने नाल देने और तैयार है। जी इन की एक नंबर या दो नंबर जी भी इन्हों की प्रपोजल हैगी है, आप प्रपोजल चीफ इंजीनियर पूरा दबाव बना के सरकार से दबाव बना के वो पूरी जी लोगों को भी घटो घट 50,000 जोड़ा अज के जमें देखा गया श्रद्धालु आया, इस करके जगह की बहुत घाट है क्योंकि सारे घाट लागे मत्था टेकन के लागे सारे नहाँ के स्नान जो भी है, इस करके दुनिया 50,000 दुनिया रिकॉर्ड अच्छ बीट हो गया 1500 साल इतिहास है। सर सांसद साहब पिछली बार आए थे, उन्होंने इतने रोड का उद्घाटन किया मतलब मुक्तेश्वर धाम के लिए रोड का, उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं थले आ जा तो मतलब काफ़ी असुविधा होती है, इसलिए कोई रोपवे या एक्सलेटर का कोई प्रपोजल बनाने लिए किया गया, इस बारे की कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कि जिहड़े सियाने बजुर्ग जिहड़े लोग ने उन्होंने लिफ्ट का कोई स्पैशल तौर पर कोई पैकेज जिस तरह होगा आ जो 10 करोड़ तो फंड तो बाहर ही बचता असं वो भी जो लाने अभी बिल्कुल सहमत है। मंदिर कमेटी ने जी 15 दिन पहला सरकार ने चेतावनी देती है कि 15 दिन दे तक अगर सरकार बचाने वास्ते एक नंबर प्रपोजल पास नहीं करती तो मंदिर कमेटी और इलाके के शिव भगत जो अज तुम देखा ही है लखा की तादाद में पहुंचे ने यह सारे सड़कों पर आ जाएंगे और सोमा कंपनी का काम शुरू नहीं हो देंगे, बराज का काम उतें रुक जाएगा। सर सरकार ने 10 करोड़ मतलब संसद साहब ने देता है डैम पर प्रशासन तो तुम मतलब मिले इस संबंधी चीफ न जाके सर डैम से सर ये अपना विराज प्रोजेक्ट के ही उन्होंने 10 करोड़ सेंक्शन किया है बट कमेटी को हाले कुछ नहीं मिलया कागजा के ही है, जो तक ड्राइंग फाइनल नहीं होती 10 करोड़ का कोई मतलब नहीं बनता। सर कोई एक्सलेटर वास्ते कोई अपने लिफ्ट वास्ते कोई प्रपोजल चल रहा है कमेटी वालों? लिफ्ट वास्ते कमेटी का किसी नाल किसी कंपनी नाल गलबात चल रही है, अगर जिदा ही साड़ी ड्राइंग फाइनल हो जाती तो अपना रोपवे का भी हल हो जाएगा। जो कमेटी है इतने की इन्होंने बहुत ज़्यादा मीडिया के राही लोगों जागरूक किया है, तो एक घाट बड़े पुराने समय तो चल रहा है गौरव पांडवों के बारे तो चल रहा है घाट, तो लोगों हूँ बहुत ज़्यादा मतलब दूर तक इस घाट बारे पता लग गया है। इस बार तो 50,000 तो भी उत्ते दुनिया जी इतने पुजी है घाट से, थोड़ी इतनी समस्या हैगी है जी जो प्रशासन ने जो इतने डंगे की गल चल रही है कि इतने मतलब इनू दवार लाई जाए वो बारे कमेटी भी अपने चीफ इंजीनियर मिले न, पंजाब सरकार ने जो 10 करोड़ रुपया मंजूर किया है पर है कि मतलब कि है तक इन्होंने जो एक नंबर परियोजना पास नहीं की गई जो तक ड्रैंग फैल नहीं होती उदों तक सानू कोई विश्वास नहीं मतलब सरकार वालों, असीं सरकार अगे यो बेनती करते हैं भी जल्दी तो जल्दी ये काम जरा चालू किया जाए, तो जो शिव भगतों की है जो ये श्रद्धा है इतने लोग आते हैं मत्था टेकते हैं उन्होंने इतने आते उनकी मनोकामना पूर्ण होंदियां ने, इस श्रद्धा में लोग इतने आते हैं तो असं कहने कि यह घाट बंद नहीं होना चाहिए, इतने जो भी स्कीम है वध तो वध कमेटी भी इतने होर भी डिवेलपमेंट करना चाहती है, इतने जो तक ये दीवार नहीं लगती उदों तक कोई भी मसला हल नहीं हो सकता।
आज ट्रू फोकस न्यूज की टीम पहुंची है दारू कला के डूंग गांव में, श्री मुक्तेश्वर धाम जो कि 55 साल पुरानी जो गुफाएं हैं, पांडव गुफाएं हैं, जिसका बहुत ही महत्व है। दूर दूर से श्रद्धालु जहाँ से आते हैं, पंजाब, हिमाचल, जे एंड के, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, लाखों की तादाद में हर साल भक्त जहाँ पे आते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जहाँ पे जो गुफाएं हैं वो जो बिराज के अधीन आ रही हैं, जिसको बचाने के लिए कमेटी की तरफ से काफ़ी संघर्ष किया गया था, पठानकोट में काफ़ी रैली निकाली गई थी, काफ़ी रोष प्रदर्शन किए गए थे, और कमेटी की ये मांग थी कि इन प्राचीन गुफाओं को जो हमारी धरोहर है इनको डैम से डूबने से बचाया जा सके। और हमें सूत्रों से पता चला कि जो हमारे सांसद हैं सुनील जाखड़ जी, उन्होंने 10 करोड़ की जो ग्रांट है वो डैम प्रशासन के खाते में डाल दिया, और हमें उम्मीद है जल्द से जल्द जो जो बिराज की जो जो प्रोजेक्ट है उसके जो बीच में आने से जो गुफाओं को जल्द से जल्द बचाया जा सकेगा। कैमरा मैन मनीष के साथ, न्यूज़ के लिए ट्रू फोकस न्यूज़, पठानकोट।